नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल RK एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपने SSC MTS का फॉर्म अप्लाई कर लिया है तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, एप्लीकेशन स्टेटस जो है आपका एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अगर आपका एक्सेप्ट नहीं हुआ है तो किस प्रकार से आपका एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और आपको किस प्रकार से चेक करना है कि आपका फॉर्म जो है एप्लीकेशन स्टेटस जो है आपका कम्प्लीट है या इनकम्प्लीट है। तो चलिए दोस्तों, चैनल पर नए हो भाई तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। हमारे चैनल के माध्यम से आपको SSC की बहुत ज़्यादा जानकारी दिया जाता है। तो सर्वप्रथम आपको आना है मोबाइल स्क्रीन में। मोबाइल स्क्रीन में आने के बाद आपको गूगल क्रोम ब्राउजर में SSC डाल कर सर्च कर लेना। जैसे सर्च करोगे तो यहाँ फर्स्ट ही ऑप्शन दिखाई देगा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो आपको इस पर क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो SSC की ऑफिशियल साइट पर ले जाएगा, जहाँ से आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा वहाँ पर आपको ऑफिशियल साइट पर आपको ले जाएगा। तो यहाँ आने के बाद आपको राइट साइड में यहाँ आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा। जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होंगे तब आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और एक पासवर्ड आपको मिला होगा। अगर आपको नहीं मिला है तो आप अपना ईमेल चेक कर सकते हैं, आपको ईमेल पे गया होगा। तो उसके बाद यहाँ नीचे एक अपना कैप्चा कोड फिल करके जो है लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और यहाँ कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देना। लॉगिन के बटन पर क्लिक करते ही आपका जो है पेज, आपकी प्रोफाइल जो है ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप जो है फार्म अपना अप्लाई किए होंगे वहाँ आपको ले जाएगा। तो यहाँ आने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको विंडो दिखाई देगी। तो यहाँ आने के बाद आपको जो है अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ आप आओगे तो नीचे आपको यहाँ एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो यहाँ आओगे तो यहाँ आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देता है, लेकिन हमें जो है एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना है तो यहाँ पर हम अपना एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो देखिए भाई, अगर आपने आप 24 घंटे के पहले आप चेक करोगे, जैसे आज आपने अप्लाई किया और आपका पेमेंट अभी आपने किया, तो यहाँ पर इनकम्प्लीट ही बताएगा, यहाँ पर नॉट यहाँ बता रहा है, उसके बाद इनकम्प्लीट और पेंडिंग बता रहा है। मतलब अभी हमने अभी पेमेंट किया है, इसी कारण जो है इन्हें यहाँ पर इनकम्प्लीट एप्लीकेशन स्टेटस बता रहा है। अगर आपका जो है आप 2 से 3 दिन बाद चेक करोगे, 72 घंटे बाद सबका जो है एक्सेप्ट कर लिया जाता है। यहाँ अगर इनकम्प्लीट आपका जब फार्म अप्लाई का डेट ख़त्म हो जाएगा, आपका यहाँ इनकम्प्लीट दिखाई देगा तो आपका जो है फार्म कम्प्लीट नहीं होगा। अगर उसके बाद जैसे अगर आपका पेमेंट नहीं कम्प्लीट हो रहा है तो डबल वेरीफिकेशन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करके, यहाँ डबल वेरीफिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करके जो है अपना पेमेंट जो है यहाँ से आसानी से कम्प्लीट करवा सकते हैं। तो यहाँ अगर आपने पेमेंट आपका कम्प्लीट नहीं हो रहा है, आपने फीस कटा दिया है, आपका 100 रुपये जो है फीस पे कर दिया है, तो यहाँ डबल वेरीफिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करके जो है आप फीस का पेमेंट जो है आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।